We are from DA and AIM Model School, Shalimar Bagh, Delhi. And we have made an auto listening shoe under the focus area of healthcare. The problem that we identified is that senior citizens and obese people find it difficult to tie their shoelaces. So we made a shoe the laces of which can be tied up using a mobile phone. We have used servo motors, battery, Bluetooth module, force and pressure sensor, Arduino Uno board for programming. We have made an app using MIT app inventor in which when we press tie button under appropriate pressure the laces will be tied and when we press untie button the laces will be untied. Now let's see from where we identified this problem. Sir, आप क्या पहनना पसंद करते हैं? जूते पहनना, सैंडल्स पहनना या लोफर्स पहनना? जूते पहनना। तो आप किस टाइप के जूते पहनते हैं? लेसेस वाले या वेलक्रो वाले? लेसेस वाले। तो आपको लेसेस ट्राई करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती? थोड़ी बहुत होती है। आप स्मार्टफोन यूज करते हैं? हाँ, सभी करते हैं आजकल तो। तो अगर मैं आपको एक ऐसा जूता बना के दूं जिसमें लेसेस आप अपने फोन की मदद से ट्राई कर सकते हैं तो कैसा रहेगा? क्या ऐसा बन सकता है जूता? हाँ सर, हाँ सर, ऐसा जूता हम अपने लैब में बनाएंगे। बन जाए तो मुझे दिखा दे। Now let us see how it works. The laces have been connected with the servo motors and a limit has been set up using the force and pressure sensor. When the pressure meets this set value, only then the motors will move. तो सर, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी जूते के बारे में, मैंने ऐसा जूता बना लिया है। दिखाओ। तो सर, ये मेरा ऑटो लिसिंग शू। इसमें ये दो सर्वो मोटर्स है जिससे लेजर टाइड अप है। तो मैंने इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया हुआ है। इसमें मैं अपने सेटिंग्स में ब्लूटूथ से कनेक्ट करूंगा। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया और मैंने इसके लिए एक स्पेशल ऐप बनाया है। ये ऐप से कनेक्ट करूंगा और ये कनेक्ट, और ये कनेक्ट हो गया। ये ब्लिंकिंग बंद हो गई ना, ये कनेक्ट हो गया। तो सर, मैंने अब इस पर प्रेशर दिया कि मेरा पैर अंदर है सपोज, और मैंने इसे अनटाई किया। टाई अनटाई, टाई अनटाई। ऐसा मेरे लिए बना सकते हो? हाँ सर, बस अब अपना जूता दे दीजिए। As we have seen, this shoe has been accepted by the person for whom it was made. Now we want to make it acceptable in a wider market.